3500 साल पहले भारत में एक महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि बागभट्ट। उनकी लिखी हुई दो शास्त्रीय पुस्तकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक उनकी पुस्तक है अष्टांग हृदयम, दूसरी पुस्तक है उनकी अष्टांग संग्रहम। ये दोनों पुस्तकों में महर्षि बागभट्ट ने 7000 सूत्र लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं। ये सूत्र हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे अपने जीवन में हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो इन स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सूत्र बागभट्ट जी ने लिखे हैं। बागभट्ट जी महर्षि चरक के शिष्य थे। चरक ऋषि का नाम हम सब जानते हैं, चरक ऋषि के वो शिष्य थे और सबसे बेहतरीन शिष्यों में उनकी गिनती होती है, सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं। चरक ऋषि ने जितना शोध कार्य किया बागभट्ट जी ने उससे भी ज्यादा किया। 135 वर्ष उनकी आयु रही। 135 वर्ष में लगभग आप समझ लीजिए 18 वर्ष छोड़कर, 18 वर्ष वो ये कहते हैं कि मैं प्राथमिक अध्ययन करता रहा, तो 18 वर्ष छोड़कर बाकी सारे वर्ष उन्होंने बहुत गहन अध्ययन में लगाए और उन्होंने कोई एक सूत्र लिखा तो उस पर कम से कम 50 से ज्यादा उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। आज का जो विज्ञान है जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं ये पूरा ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो अगर जैसे उन्होंने कोई सूत्र कह दिया तो उसका 50 बार परीक्षण किया, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों पर किया और जब उन्होंने देखा कि परिणाम वही है तब सूत्र लिखा। अब हम कल्पना करें कि 7000 सूत्र लिखे हों और एक एक सूत्र पर 50-50 परीक्षण उन्होंने किए हों तो पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल गई। महर्षि बागभट्ट बाल ब्रह्मचारी थे, अंतिम समय तक वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते रहे, गृहस्थ आश्रम उन्होंने नहीं जिया, लेकिन वो मानते थे कि गृहस्थ आश्रम बहुत महत्व का है। तो ऐसे महर्षि बागभट्ट के सूत्रों को मैं पिछले 6 साल से पढ़ता रहा और भारत की आज की जो परिस्थिति है मैं मानता था और आज भी मानता हूं कि उसमें ये बहुत अनुकूल है। आज हमारे भारत की परिस्थिति ऐसी है 75 से 80 करोड़ लोग बीमार हैं। सरकार कहती है कि सिर्फ 30 करोड़ लोग हैं स्वस्थ, बाकी सब हैं बीमार। अलग अलग बीमारियां हैं, वात की बीमारियां हैं, पित्त की हैं, कफ की हैं, और इन बीमारियों का इलाज करने के लिए भारत में कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर हैं रजिस्टर्ड, जो MBBS, BAMS और BHMS तीनों पद्धति के हैं। 23 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी इसमें मिला दें तो सरकार कहती है लगभग अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी इतने ही हैं, 25 लाख के आसपास। तो कुल मिलाकर हम 50 लाख डॉक्टर मान लें अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, तो भी मरीजों की संख्या 70 से 80 करोड़ है।